नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनेवाला का नार्को टेस्ट चल रहा है। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक नार्को टेस्ट के दौरान आफताब काफी ज्यादा घबराया हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आफताब का ये रवैया हर किसी को कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि ये वही आफताब है जो पॉलीग्राफ टेस्ट के तीन सेशन के दौरान काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। डॉक्टर्स के हर सवाल का जवाब बिना किसी डर के साथ और बिना किसी झिझक के साथ दे रहा था, लेकिन जिस तरह से वो नार्को टेस्ट में घबराया हुआ नजर आ रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि शायद अब आफताब को ये डर सता रहा है कि उसकी पोल जल्द ही खुलने वाली है। बता दें कि आफताब से कई सवाल पूछे जाने हैं जो शायद आफताब से पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान नहीं पूछे गए। यहाँ पर पहला सवाल जो आफताब से पूछा जाना है वो सवाल है श्रद्धा को लेकर कि आखिरकार उसने श्रद्धा की जान क्यों ली। आफताब के कन्फेशन के मुताबिक उसने गुस्से में श्रद्धा की जान ली, लेकिन क्या इस बयान में कोई सच्चाई है या नहीं, इसका जवाब जब आफताब नार्को टेस्ट में देगा तभी पता लग पाएगा। इसके अलावा जो दूसरा सवाल आफताब से डॉक्टर्स पूछने वाले हैं वो सवाल है कि आखिरकार आफताब ने श्रद्धा की जान लेने के बाद उसका अगला कदम क्या था, उसने क्या किया। इसके बाद जो तीसरा सवाल आफताब से पूछा जाना है वो यहाँ पर पूछा जाना है कि जब उसने श्रद्धा की जान ली या फिर जब वो श्रद्धा से मिला, क्या वो उस वक्त भी कई और लड़कियों को डेट कर रहा था। चौथा सवाल जो यहाँ पर पूछा जाना है वो ये पूछा जाना है कि जब उसने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को अपने फ्लैट पर बुलाया तो क्या वो उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड दूसरी गर्लफ्रेंड की भी जान लेने की फिराक में था। जो पांचवा सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में आफताब श्रद्धा से प्यार करता भी था या फिर उसने सिर्फ उसे अपनी जाल में फंसाया है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इन पांच सवालों में आफताब क्या जवाब देता है। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।